ये बहुत कामयाबी इस मायने में जैसे ये अगल बगल ये खेत घिर गया है अब बड़ा ट्रैक्टर आए तो आए कैसे इसमें तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये अब तो ये बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए तो हाथ भी थक जाते थे खोदते खोदते गुड़ाई तो नहीं करी जुताई किया है दबा के दबा के जुताई किया जुताई में सौ परसेंट कामयाब है पहाड़ पर जाए बहुत ताकत है इसके पास <laughs> बहुत ताकत है इसके सामना भारी हो रहा है दोस्तों आज हम हैं उत्तराखंड के खटीमा में और आपको एक ऐसी मशीन दिखा रहे हैं जो यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है यहाँ पर आप जो भी खेती देख रहे हो चाहे इधर हो चाहे आपके इधर हो ये सब खेती इस मशीन के द्वारा यहाँ पर संभव है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है इसे आप पोर्टेबल मशीन बोल सकते हो ये हिल्स पर बहुत कामयाब मशीन है इसको उठा के आप कहीं भी छोटे छोटे खेत में ले जा सकते हो बड़े से बड़े खेत में ले जा सकते हो और यहाँ के आज हमारे साथ दो किसान हैं तो हम सीधा किसान से ही बात करेंगे और किसी से हम बात नहीं करेंगे और इस मशीन के बारे में जानेंगे कैसे वो इससे खेती कर रहे हैं और क्या ये कामयाब है या नहीं है तो एक बार आप अपना परिचय कराइएगा हाँ सर मेरा नाम विनोद सिंह कुशवा सैना गाँव में रहने वाला खटीमा क्षेत्र जी ये जो मशीन है तो ये सारी खेती आप इससे कर रहे हो जी सर क्या क्या मतलब खेती कर लेते हो आप इससे कौन कौन सी फसल करते हो सारी खेती हो रही है सब्जियों से लेके गेहूं से लेके धान तक धान तक मतलब जैसे आपके बगल में छोटी मोटी सब्जियों खेती है सब वो भी संभव है हाँ, इसी से संभव है और धान वगैरह में कामयाब है नहीं धान वगैरह में कामयाब है भी। आप भी एक बार अपना परिचय कराइएगा हाँ सर मेरा नाम श्याम राज मौर्या है और हम ग्राम पेहनिया खटीमा के रहने वाले हैं उत्तराखंड उत्तराखंड हाँ। और सर जैसे आप उत्तराखंड हाँ। हाँ। से हो सर प्लेन पे तो सभी ने देखी है मशीन चलते हुए सर मेन है पहाड़ों के किसानों को बहुत समस्या होती है क्योंकि ट्रैक्टर जा नहीं पाता है जा नहीं पाता है छोटे छोटे रास्ते होते है तो आप इस मशीनों को कितना कामयाब मानते हो सर हम इसको बहुत कामयाब मांगते हैं बहुत कामयाब मशीन है छोटों खेतों के लिए बहुत बढ़िया है और छोटी छोटी क्यारियाँ जोतने के लिए बड़ा ट्रैक्टर कामयाब नहीं है जितना ये कामयाब है मतलब कहने की बात यह है कि जो हाँ, जो काम बड़ा नहीं कर पाता तो हाँ, ये जो बड़ा है काम नहीं कर पाता, ये छोटा काम करेगा और कहीं भी उठा के आसानी से आप ले जा सकते हैं तो मैंने जैसे जब हम आए हाँ, तो आपने अपने खेत में इस मशीन को खड़ा किया हुआ था हाँ सर हाँ, हमने अभी अपने मशीन यहाँ रखते हैं खेत भी में भी ही रखते हैं रखते रखते हो ही हैं सर अपना जब आया हटाया अपना पन्नी हटाया पन्नी से ढके रखते हैं और हम जब भी पन्नी हटाए अपना काम कर लेते हैं सर अच्छा इसका आपका खर्चा क्या रहा होगा पेट्रोल खर्चा क्या रहा होगा आपका पेट्रोल खर्चा सर घंटे में 800 ग्राम का है खपत लोड पे

तो इस ये कामयाब है उसके लिए मतलब हम छोटी जगह से भी मतलब कम जगह में भी इसको ला सकते हैं और ले जा सकते हैं अपना ये बहुत कामयाब इस मायने में जैसे ये अगल बगल ये खेत घिर गया है अब बड़ा ट्रैक्टर आए तो आए कैसे इसमें तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये जैसे और ये जुताई भी अच्छी कर रहा है गहरी रोटावेटर से इसका काफ़ी अच्छा जो गहरा जाता है इसका जुताई जैसे एग्रीकट के राटो नाम से मशीन है हाँ। तो इसे आप खुश हो मशीन से हाँ बहुत खुश है तो दोस्तों हमारे साथ अभी एक किसान और है उत्तराखंड के ही और पास में उनका घर भी है और घर के पास में एक खेती है मतलब उधर तक आप देख रहे हो उन्हीं के खेत है और सरकारी टीचर भी है सर एक बार अपना परिचय कराइएगा आप सर सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम मेरा नाम रामदास कुशवाहा और ये उत्तराखंड में उधम सिंह नगर ज़िले में एक खटीमा में हमारा घर है और ये मेरे पास ज़मीन है तीन चार एकड़ तो मैंने देखा कहीं YouTube में तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो जब मैंने मंगाया है मेरे पास ये दो महीने से है पलवल से मैंने जब देखा YouTube में तो फ़ोन नंबर जो था उससे जो है करके मैंने मंगवाया है और इससे मैंने अपने गेहूं की सारी बिजाई कर ली है और ये बहुत अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा पलवल वालों का और इससे मैं बहुत खुश हूँ समझू आपकी खेती और यहाँ पर सब्जियों की जी सर तो ये भी सभी इसी से की हुई है आप सारी इसी से कर रखी है मैंने आलू लगाया है जो भी मैंने सब्जियों का काम है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इस सारा इसी से हो रखा है और इससे हमें बहुत आसानी है तो दोस्तों उत्तराखंड के किसानों का हम आपको बैक टू बैक रिव्यू दिखा रहे हैं अभी हम तीसरे किसान से आपको मिलवा रहे हैं जिनके पास ये मशीन चल रही है एग्रीकट की एक बार आप भी अपना परिचय कराइएगा हम आप बड़ी इंजनिया तहसील खटीमा जिला उधम सिंह नगर के हैं ये मशीन कौन सी और कहाँ से आपने मंगाई थी है? ये पहली वाला हरियाणा एग्रीकल एग्रीकट की मशीन है ठीक है अभी आप कौन कौन सी खेती करते हो और क्या क्या इससे अभी बिजाई करी है आपने इससे हमने इसे साग सब्जी का बिजाई ज़्यादा कर रखी है अच्छा तो जो जुताई यहाँ पे लड़ाई गुड़ाई सब इसी से की हुई है हाँ, सब इसी से की है अच्छा वैसे कितने दिन हो गए आपको मगाए हुए अरे इसको तो दो महीना तो हो गया होगा अच्छा तीन महीने हो गए तीन महीने करीब हो गया है हाँ तो काम कैसा कर रही है इसे? काम बहुत अच्छा कर रहा है अच्छा ये सब्जी इसी से बो रखे है तो बच्चे वगैरह भी चला लेते हैं हाँ, हाँ, ये बच्चा चलाता है कोई दिक्कत चलाने में कुछ नहीं तो जैसे आप तो देखते हो गए आपने लड़ाई उड़ाई करी है तो कैसा काम कर रही है ये काम तो बहुत अच्छा कर रही है ये अच्छा कर रही है हाँ। मतलब जुताई कैसे करती है मतलब साफ करती है जुताई बिल्कुल साफ कर रही है और दो चक्कर में खेत तैयार हो जा रहा है बोने जैसा मतलब एक दो डबल चक्कर में हाँ, एकदम बुरादा बना बुरादा दे बुरादा बना दे रही है बिल्कुल बारीक जैसे की अभी एक चक्कर है यहाँ पे एक चक्कर लगाया अगर दोबारा घुमाओगे दोबारा में बिल्कुल तैयार हो जाएगा खेत तैयार हो जाएगा तो मशीन के काम से खुश हो आप हाँ खुश है बहुत खुश है इससे तो बरसीन भी बोए हैं मूली और ये साग सब्जी पालक धनिया मेथी सब तो बोए इसी से हम लोग अब तो ये बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए तो हाथ भी थक जाते थे खोते खोदते पहले थकान हो जाती थी हाँ बहुत थकान होती थी काम कितनी देर में मिनटों में जा रहा है काम। हाँ बहुत जल्दी हो जा रहा है इससे तो तो दोस्तों एग्रीट की राटो मशीन के साथ ही हमारे चौथे किसान हैं जिनका हम रिव्यू कर रहे हैं एक बार आप भी अपना परिचय कराइएगा सोमनाथ मौर्य नव ग्राम नवसर तहसील खटीमा जिला ऊधम सिंह नगर का हूँ मैं एक प्रोजेक्ट मैं लाया हरियाणा से और बहुत अच्छा चल रहा है हरियाणा में कहाँ से लिया था आपने पलवल से एग्री कट का राटो तो किसान भाई ये राटो मशीन है जो जैसे कि बताया आपको और उत्तराखंड में राटो मॉडल बहुत चल रहा है जैसे भी हमने पहले भी रिव्यू किया था अलग अलग किसानों का अलग अलग, अलग, अलग लोकेशन पर तो राटो सभी के पास राटो मॉडल था और ये भी राटो मॉडल है तो यहाँ पे राटो मॉडल काफ़ी सक्सेस मॉडल है हालांकि मॉडल तो कंपनी के पास और भी आपको मिल जाएंगे ये बताइएगा आप इससे कौन कौन सी फसल बो रहे हैं मतलब कौन कौन सी फसल की लड़ाई करी है आपने अभी गुड़ाई तो नहीं करी जुताई किया है दबा दबा के दबाग के जुताई के हो। आ, जुताई में सौ परसेंट बहुत ताकत है इसके पास बहुत ताकत है इसके पास ना भारी हो रहा है तेल की खपत तो नहीं ले रहा ज्यादा नहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा है कितने खपत आ रही है तेल की यही नौ सौ ग्राम के आसपास आसपास बाकी काम के ऊपर डिपेंड है बाकी काम के ऊपर भाई भारी काम है तो कम लेगा भारी काम तो ज्यादा लेगा ज्यादा लेगा तो दोस्तों हमने आपको इस मशीन का रिव्यू दिखाया किसान से बात की और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कंपनी का नंबर आपको दिया गया है आप वहां से कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं और इस मशीन को अपने घर तक मंगा सकते हैं मशीन ये आपने किसान से सुना कि पूरी तरह से कामयाब है और सक्सेसफुल है नाम है इसका एग्रीकट राटो तो दोस्तों नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप कॉल करके बाकी जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद